मकान को अपना निशाना बनाया और खिड़की तोड़कर घर में घुसे। चोर 1 लाख की नकदी व 10 लाख के जेवरात समेत अन्य सामान समेट ले गए। गृह स्वामी व उनका परिवार लखनऊ में अपने परिजन का इलाज कराने को गए थे। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की तफ्तीश की। चोरी की यह घटना शहर कोतवाली इलाके के आवास विकास एक कॉलोनी में घटी। आवास विकास के 391A ब्लॉक निवासी राम सूरत वर्मा की बहू के इलाज के लिए परिवार के संग 3 सितंबर को लखनऊ गए हुए थे। वहीं पर भर्ती कराकर उसका इलाज करा रहे थे। बुधवार को उन्हें अपने बंद मकान की खिड़की टूटे होने की सूचना मिली। इस पर राम सूरत अपने बेटे के संग सीतापुर आवास पहुंचे तो उन्होंने बाहर से मकान के ऊपर की खिड़की क्षतिग्रस्त पाई। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के सामने बंद मकान का ताला खुलवाया और घर के अंदर गए तो वहां पर सामान बिखरा पाया। अलमारी का लॉकर तथा बेड आदि में रखा सामान तो बिखरा मिला ही, साथ ही ताले भी टूटे पाए गए। गृह स्वामी राम सूरत वर्मा के मुताबिक चोर उनके घर से करीब 1 लाख की नकदी व 10 लाख के जेवरात समेट ले गए। पीड़ित ने आई इंडिया को मामले की जानकारी दी। चोरी की घटना को लेकर पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच की। जांच के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही की बात कही है। हाँ सर, चोरी हुई है। मैं यहाँ 3 तारीख को 12:30 बजे अपने दरवाजे ऊपर से नीचे बंद करके खिड़की दरवाजे, और बच्चे लखनऊ में थे, छोटे जन्म हुआ सब वहीं गए थे, तो वहाँ लखनऊ से सब। और 7 तारीख को जो है ये काम करने वाले यहाँ छोड़ गए थे। दिन में गमले में पानी उनी डालने के लिए सफाई करने आती थी, तो करीब दोपहर में लगभग जो है 12:30-1 बजे होगा वो आया, तो ऊपर से निकाह उसकी पड़ी कि पल्ला कुछ खुला हुआ है, तो अपने आदमी बुला के उसने दरवाज़ा खोला, चाबी उसके पास थी, देखा सब अलमारी टूटी हुई, सामान सब बिखरा पड़ा है ऊपर नीचे। तो उसने रोते हुए हमारी वाइफ को फ़ोन किया लखनऊ में कि आंटी जी जो है ये सब टूटा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया, इसके अंदर चोरी हुई है। तो वाइफ ने हमको अपने फ़ोन किया, बच्चों को फ़ोन किया उनके बैंक में और उसके ऑफिस में छोटे वाले लड़के, तुरंत आ जाओ जैसे सीधा चलना घर में, ज़्यादा मेरे कैसे आ जाओ तो बताएँगे। तो हम तुरंत निकल गए, तुरंत जो है ये लोग भी आ गए थे, तैयार होकर हम लोग निकल गए। तो 4 बजे तक यहाँ पहुँचे, 112 नंबर पुलिस को बुलाया गया, उनकी देख रेख में खोला जाए, तो ताला खोल के देखा तो अलमारी नीचे की टूटी, लाकर टूटे हुए, बेड उठा दिया था और सारा सामान। क्या क्या सामान चला गया चोरी में? सामान में है हमारी बहू के आधे जेवर तो उस बार लखनऊ थे और आधे जेवर यहाँ थे, चूँकि अभी शादी हुई 1.5 साल है, तो तमाम छोटे मोटे उसके आइटम थे। कुछ नकदी भी गई? नकदी लगभग 1 लाख के आसपास हो गई, मतलब घर में बीवी के पास पैसे। टोटल कितने की चोरी हुई है? टोटल लगभग 10 लाख के ऊपर ही हुई। तो आपने एप्लीकेशन दी थाने में? एप्लीकेशन हम दे दिए हैं चौकी, यहाँ चौकी इंचार्ज जो है सदर चौकी छोटी लाइन स्टेशन पर। तो ऊपर की पोजिशन ग्रिल टूटी पाई गई, ऊपर की अलमारी लाकर सब सामान बिखरा पड़ा, और बहू की साड़ियाँ कुछ जो कीमती वाली होंगी 10-5 वो ले गए, और जेवर तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ये एक मतलब चांदी का अंगूठी या औरतों की बिछिया टाइप, मतलब ए टू जेड, न एक रुपया न जेवर नाम की सोने चांदी कोई सामान कुछ नहीं बचा। आपका नाम? राम सूरत वर्मा। अवर क्षेत्र के अन्य चैनलों के जोर से बड़ा, अवर क्षेत्र के चैनल जगत से कई गुना बड़ा, 7.5 मिलियन दर्शकों के ग्रुप में इकलौता न्यूज चैनल। अवर क्षेत्र के दर्शकों ने बनाया आई इंडिया को नंबर 1 न्यूज चैनल। गूगल ने भी दी आई इंडिया को 5-स्टार रेटिंग। खबर का मतलब आई इंडिया।